नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे शहादत पूरी आशाया धूरी। उत्तराखंड राज्य अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीते 21 सालों में उत्तराखंड ने काफी कुछ पाया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। राज्य आंदोलनकारियों ने जिस भावना से अलग राज्य को बनाया, आज भी वो सपने अधूरे हैं। पहाड़ों से मूलभूत सुविधाओं के लिए पलायन आज भी जारी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी पहाड़वासी पहाड़ छोड़ने को मजबूर हैं। राज्य गठन के बाद से नेताओं में अब तक सिर्फ सत्ता पाने की ही ख्वाहिश दिखी है और यही वजह है कि छोटे से राज्य उत्तराखंड ने अब तक 11 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। माना जाता है कि बदलते मुख्यमंत्री से राज्य का विकास बाधित हुआ। वहीं धामी सरकार ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके तहत एक सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने स्थापना दिवस पर कई घोषणाओं का भी पिटारा खोला है। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने, नए खेल नीति को जल्द लागू करने समेत कई घोषणाएं की हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए। इसलिए आज हम कह रहे हैं शहादत पूरी लेकिन आशाएं अधूरी। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल बीत चुके हैं, 22वें साल में प्रवेश कर लिया है उत्तराखंड ने। पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था, नाम बदला लेकिन तस्वीर नहीं बदली। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि शहादत पूरी और जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, वो अधूरी हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने कड़ी मेहनत की और उत्तराखंड राज्य को अलग किया गया। उत्तराखंड राज्य को आज 21 साल पूरे हो चुके हैं और 22वें साल में उत्तराखंड राज्य ने प्रवेश कर लिया है, लेकिन 11 मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तराखंड राज्य को क्या मिला है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सीमा डोरा जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रेम बहुखंडी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजीव भट्ट जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और पीसी थपलियाल जी राज्य आंदोलनकारी के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और थपलियाल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि 21 साल बीत चुके हैं, 22वें साल में हमने प्रवेश कर लिया है, लेकिन इन 21 सालों में 11 मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तराखंड में क्या बदलाव हुए? देखिए, जो इस राज्य की जो बुनियाद है जी, ये शुरू में ही ऐसे रखी गई जिसपे कि किसी भी ऐसा हमारे पास ऐसा विजनरी नेता नहीं रहा उस समय, जिस समय इस राज्य का निर्माण हो रहा था। क्योंकि मुझे याद है वो दिन कि जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बना और उस विधेयक की नींव में उत्तराखंड राज्य बना, और उस समय जो एक परिकल्पना इस राज्य की उत्तराखंड क्रांति दल ने दी थी कि एक पर्वतीय राज्य होना चाहिए और पर्वतीय राज्य का जो विकास की जो समीकरणें होती हैं वो लगभग अलग सी होती हैं, और उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन समीकरणों को वो लखनऊ नहीं समझ पा रहा था, इस ये समझकर हमने पृथक राज्य, पर्वतीय राज्य की मांग की। लेकिन जो छल हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में किया गया, वही आज हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने बनाया था, देवगढ़ सरकार ने, वो बिल्कुल वो था जो हम मांग रहे थे। उसमें राजधानी गैरसैंण मिशन थी, उसमें पर्वतीय राज्य यानी केवल हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र इन्वॉल्व था। लेकिन भाजपा ने जो 2000 में उसी समय जो सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र में, और केंद्र में अटल जी की सरकार आई, और अटल जी की सरकार ने उस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 को बदल कर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बनाया, उसमें 26 संशोधन पहले और फिर 29 संशोधन करके हमारी परिसंपत्तियों को अपने पास रख दिया। उसके बाद जो राजधानी थी उसे गायब कर दी गई और एक ऐसा लुंज पुंज राज्य हमें दे दिया गया बिना राजधानी का। कि बिना राजधानी का कोई भी राज्य असंवैधानिक होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही उसके बाद, देखिए आप, उनके जो छल थे उन छलों से हम छले गए, और छलने के बाद आज 21 साल के बाद भी जब नंगे भूखे चौराहे पे खड़ा जवान उत्तराखंड पूछ रहा है कि आखिर मेरी जो विकास की दिशा है उसको
क्यों तुम नहीं समझ पाए, क्यों तुमने इस राज्य को वोट दे पाया। थपलिया जी बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी बातों से मैं सहमत भी हूं और आगे मैं इस पर विस्तार से आपसे चर्चा भी करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता बहुखंडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपकी भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही प्रदीप बहुखंडी जी, लेकिन इन 21 सालों में एक परमानेंट राजधानी नहीं दे पाए आप। और अब हरीश रावत जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आगे राजधानी शायद उत्तराखंड को मिल जाएगी। तो अभी तक जब सरकार आपकी आई थी तब आप क्या कर रहे थे? मैं जो आपकी बात है उसको थोड़ा थ्योरेटिकल की तरफ ले जाता हूँ ना, सैद्धांतिक मुद्दों की तरफ। जी, उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना है वैसे तो वो 50 से शुरू होती है कि एक अलग राज्य होना चाहिए, पर्वतीय राज्य होना चाहिए। लेकिन उसने जो बड़ी मांग उठाई उठी है वो समझ लीजिए कि 70 के दशक में हुई है, जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे हमारे अधिकारों की लड़ाई का आंदोलन था कि हमारे संसाधनों पे अधिकार होना चाहिए। और वहीं से छात्र युवा संघर्ष वाहिनी खड़ी होती है और वहीं से उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा होता है और वहीं से शुरू होती है एक पर्वतीय राज्य की डिमांड। वो जो डिमांड थी वो मुख्यतः थी कि हमारे 8 जिले जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जिले हैं उन जिलों की अकेले अलग एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र की बात नहीं थी, वो थी विकास के मॉडल की बात। अब मैं आपको विकास के मॉडल की बात बताऊं। जब उत्तर प्रदेश से हम उत्तराखंड को देखते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं लखनऊ से, तो सहारनपुर और चमोली बिल्कुल पास पास दिखाई देते हैं। इसलिए जब उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसमें उत्तराखंड के हिस्से में आता है कि सहारनपुर में एक स्टार पेपर मिल लग जाए। हमने कहा कि नहीं भाई, सहारनपुर जो है बहुत दूर है हमसे, चमोली से अगर स्टार पेपर मिल लगनी है, जैसी कोई मिल लगनी है, कागज की मिल लगनी है, हमारी लकड़ी का प्रोसेसिंग होनी है, तो उसको पर्वतीय क्षेत्र में होना चाहिए। अब बात आई कि पर्वतीय क्षेत्र में हम मिल लगाने को तैयार है लेकिन इतनी जगह नहीं है वहां पे। तो हम ये कह रहे थे उस वक्त भी, कब जो लोग सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन जो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि यस, पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक विकास का सेपरेट मॉडल चाहिए। हम बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम बहुत बड़ी जगह हमारे पास है नहीं, हमारे पास बहुत सारा क्या बोलते हैं कच्चा माल नहीं है, तो जितना है उसके लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाइएगा, वहां से हमारी लड़ाई शुरू होती है। 5/11 राज्य के आंदोलन 1994 के दौर में थपलियाल जी हमारे नेता रहे, हम आंदोलन के दौर छात्र राजनीति के तौर पे 23 साल के थे, हम आंदोलन में कूदे, जेल गए, सब कुछ लाठियां खाई, डंडे खाए, सब कुछ किया। हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, जो हमारे नेतृत्व था उसमें उत्तराखंड क्रांति दल के लोग की गलतियां हो सकती है, उसमें बाकी जो लोग उस टाइम थे वो ये क्या बोलते हैं कन्विंस करने में असफल हो गए कि हमको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ क्षेत्र नहीं चाहिए अपने अलग राज्य के तौर पे, हमें एक विकास का अलग मॉडल चाहिए। हम एक छोटे राज्य की कल्पना कर रहे हैं तो हमारा विकास का मॉडल भी छोटा होना चाहिए, हमारी छोटी इंडस्ट्रीज की बात होनी चाहिए, छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होनी चाहिए, वो हम उसमें फेल हो गए। अब बात आई उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। राज्य बनते ही सबसे पहले जो थपलियाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ बेईमानी करी, पूरी तरह से उन्होंने बेईमानी करी हमारे साथ धोखाधड़ी करी। और जिस तरह से उन्होंने संशोधन लाए, पहले 26 संशोधन, बाद में 29 संशोधन, और जो विधेयक आया वो विधेयक एक आधा अधूरा कमजोर लचर राज्य हमारे को दे दिया। वो जो कमजोर लचर राज्य था हमारा, उस कमजोर लचर राज्य की समस्या ये हुई कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, हम आज तक कैपिटल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास हम जिस तरह से एरिया डिफाइन नहीं कर पाए, उन एरियाज को हमें दे दिया जिन एरियाज के हमसे सांस्कृतिक तौर पे, भौगोलिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हम भिन्न थे, जिनके हमारी मांग नहीं थी। किसी भी कौशिक समिति की कमेटी रिपोर्ट में देख लीजिए, या हमारी ओरिजिनल जो 1952 की पीसी जोशी जो जिस कमेटी को ऐड कर रहे थे उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, हमारी मांग देख लीजिए, छात्र युवा वाहिनी की मांग देख लीजिए। कभी भी उधम सिंह नगर और हरिद्वार का झबरेड़ा रुड़की हमारे मांग में नहीं था, वो हमारे साथ बेईमानी कर दी गई। हमारे पास अब आई मॉडल की बात। उन्होंने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया नित्यानंद स्वामी जी को, बहुत सज्जन आदमी, बहुत ईमानदार आदमी, उनकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रश्न है यह है कि उत्तराखंड राज्य के कभी उस अवधारणा के पक्ष में नहीं थे। जब उसके पक्ष में नहीं थे तो उनको लगा ठीक है, मैं तो बुढ़ापे में मुख्यमंत्री बन गया हूँ, 6-8 महीने जीता हूँ, और उन्होंने भी वही 9-10 महीने दिया, तब तक कोश्यारी जी आ गए, कोश्यारी जी ने उनकी कुर्सी अपदस्त कर दी, कोश्यारी जी को जनता ने अपदस्त कर दिया, और कुल मिला के आ गई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में कौन आया? नरेंद्र तिवारी की अगर आइडियोलॉजिकल बात करें जी प्रेम जी, इस बारे में हम पूरी विस्तार से आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल हो गए हैं, 22वें साल में हमने प्रवेश कर लिया है, लेकिन उत्तराखंड को आखिर इन 21 सालों में मिला क्या है? फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हाँ हाँ
बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुंमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीते 21 सालों में उत्तराखंड ने काफी कुछ पाया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। राज्य आंदोलनकारियों ने जिस भावना से अलग राज्य को बनाया, आज भी वो सपने अधूरे हैं। पहाड़ों से मूलभूत सुविधाओं के लिए पलायन आज भी जारी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी पहाड़वासी पहाड़ छोड़ने को मजबूर हैं। राज्य गठन के बाद से नेताओं में अब तक सिर्फ सत्ता पाने की ही ख्वाहिश दिखी है, और यही वजह है कि छोटे से राज्य उत्तराखंड ने अब तक 11 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। माना जाता है कि बदलते मुख्यमंत्रियों से राज्य का विकास बाधित हुआ है। वहीं धामी सरकार ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसके तहत एक सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने स्थापना दिवस पर कई घोषणाओं का भी पिटारा खोला है। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने, नई खेल नीति को जल्द लागू करने समेत कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आएंगे, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि शहादत पूरी लेकिन आशा अधूरी। चर्चा इसी पर, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नौ नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। साल 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य का नाम बदला, लेकिन नहीं बदली तो वो तस्वीरें जिसके लिए अलग राज्य बनाया था। पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं के लिए पलायन आज भी जारी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी पहाड़वासी पहाड़ छोड़ने को मजबूर हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक ना तो राज्य को स्थायी राजधानी मिल पाई है और ना ही सशक्त भू कानून। ऐसे तमाम मुद्दे आज भी अधूरे हैं। निश्चित रूप में आज हम जो है बड़े उत्सव के साथ जो है राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, और 21 वर्षों का जो हमारा युवा उत्तराखंड हुआ है, मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूं और हम लोग भी संकल्प लें कि हम इस राज्य को विकसित करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें, और सरकार भी ये संकल्प ले उन शहादतों को याद करते हुए कि हमें हमारी राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण मिले, हमारा अपना भू कानून बने, हमारे जो है मूल निवास का अधिकार हमारे को मिले, हमारे जितने भी जो बेरोजगार साथी उनको रोजगार मिले, हमारे पलायन को रोकने के लिए जो है छोटी छोटी योजनाएं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, इस तरह की योजनाएं बनाई जाए, ताकि हमने जो 21 सालों में क्या खोया क्या पाया के उसकी समीक्षा भी होगी, और निश्चित रूप में 21 साल के बाद राज्य आज उस स्थिति में होना चाहिए जो हम कल्पना करते थे, जो हमारे शहीदों ने कल्पना कर दी। जितने हमारे अगर हम और राज्यों के मुकाबले अपने को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो है आगे तरक्की नहीं की,
थी, लेकिन जिस तरीके से जो सियोनिजी ढांचा जो तैयार होना चाहिए था उसको लेकर हमें विकास करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप में उन सर्वप्रथम उन शहीदों के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए जो आज भी जो है उस न्याय की दरकार कर रहे हैं, और इस उत्साह का तभी और ज्यादा हम लोग मना पाएंगे, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अपनी भोली भाषा को जिंदा रखें। वहीं आज राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम नेताओं ने शहीदों को नमन किया। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने राज्य आंदोलनकारियों को उनके सपने के अनुसार राज्य के विकास का आश्वासन दिया। इसी के तहत सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम शीर्ष नेताओं ने शहीदों को नमन किया। राज्य स्थापना दिवस को इस बार धामी सरकार बड़े ही ऐतिहासिक रूप से मनाने जा रही है। उत्तराखंड महोत्सव के नाम से राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने कई घोषणाएं की। लंबे समय से हमारे चूंकि इस राज्य की प्राप्ति में हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके बीच में से लगातार ये बातें आती थी। और मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में सबसे पहले गोलीकांड हुआ था, और उनकी पीड़ा, उनकी भावनाएं, और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए आज हमारी सरकार ने तय किया कि आंदोलनकारियों में जो 3100 पेंशन थी उसको 4500 किया गया है, और साथ में जो 5100 पेंशन मिलती थी उसको हमने 6000। मैं इस मौके पर राज्य की महान जनता को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य स्थापना दिवस आज इस रूप में हमें याद आता है कि हमारे शहीदों और आंदोलनकारियों ने जिस उत्तराखंड को बनाने की बात की थी, जो उनके सपनों का उत्तराखंड था, हम उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको ये सामर्थ्य दे कि हम हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप और आंदोलनकारी हमारे जो भाई बहन हैं उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बना सकें। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बने भले ही 21 साल हो गए हों, लेकिन राज्यवासियों के सपने आज भी अधूरे हैं। सरकार को चाहिए कि वह जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का विकास करे। आज भी पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार की बेहद आवश्यकता है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है। देखना होगा कब तक सरकार पहाड़ का पानी और जवानी को पहाड़ के काम लाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित कालक रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल हो चुके हैं। 22वें साल में उत्तराखंड राज्य ने प्रवेश भी कर लिया है, काम हुआ है, लेकिन बहुत काम अभी भी बाकी है। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर और सबसे बड़ी बात पलायन को रोकने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है कि पलायन को लेकर पलायन आयोग बनाया गया था, उसमें तमाम चीजें थी जिनको व्यवस्थित करना था। पलायन क्यों हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करनी थी, लेकिन हालांकि पलायन आयोग भी अब नजर नहीं आ रहा है। हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुकरेती जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल चूंकि ब्रेक का हो रहा है, हम आज बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने आज कई सारी घोषणाएं भी की हैं और राज्य को अच्छे स्तर पर ले जाने का वादा भी किया है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने साकार। उत्तराखंड में लगभग 22,000 से 24,000 रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के 21 साल पूरे होने की और 22वें साल में उत्तराखंड राज्य ने प्रवेश कर लिया है। किन किन चीजों की कमी आज भी देखने को मिलती है, राज्य आंदोलनकारियों की वो कौन सी उम्मीद है जिन पर आज सरकारें खरी नहीं उतर पाई, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे हम सीमा डोरा जी का रुख करते हैं। सीमा डोरा जी भाजपा प्रवक्ता है। सीमा जी, आज पुष्कर सिंह धामी ने 7 दिन तक के लिए उत्तराखंड महोत्सव मनाने की बात कही है और ये 7 दिन तक एक महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है जैसे कि अभी पीसी थपलियाल जी भी कह रहे थे और प्रेम जी भी यही बात कह रहे थे कि 21 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक परमानेंट राजधानी नहीं बन पाई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया लेकिन उसे अभी भी परमानेंट राजधानी घोषित नहीं किया गया है। तो तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर राज्य आंदोलनकारी आज भी, उन्हें लगता है कि जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है सरकारें। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देती हूँ और कोटि कोटि नमन है उन सभी शहीदों को और जो क्रांतिकारी हमारे साथ भी बैठे हैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से उनका शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में हम सबको सहयोग किया। अब आता है देखिए उम्मीदों की, तो कहते इंसान की उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं कभी कम नहीं होती, जितना मर्जी कर ले, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर हो जाएंगी तो फिर प्रगति का मार्ग रुक जाएगा। लेकिन जहां तक हमने कोशिश करी पूरी बीजेपी ने, जब तक हमारी सरकार रही और आगे भी हम करते रहेंगे, बहुत बदलाव आए हैं और आगे भी विश्वास दिलाते हैं हम आपको कि आते रहेंगे। कि अभी भी देखिए उन्होंने कहा है कि बच्चों को टैब्स दिए जाएंगे जो 10वीं के और 12th के बच्चे हैं, एजुकेशन फील्ड हो या स्वास्थ्य हो, हर शहर में 13 के 13 जिलों में हमने कहा कि हम नेक्स्ट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत कुछ बदला भी। देखिए पलायन में देखिए तो आज से 5 साल पहले 6 साल पहले अगर आप देखिए तो पूरा पूरे गांव खाली पड़े थे, लेकिन आज बहुत कुछ हो चुका है और डेवलपमेंट काफी जारी है। लोग जो है अब वो विश्वास कर रहे हैं कि हम पहाड़ों में आके ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो फिर बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत ऐसे लोग मैं आपको टिप्स में गिना सकती हूँ, कितने बच्चे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज को छोड़कर जिन्होंने यहाँ पर होमस्टे बनाया या उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए या होटल्स बनाए या रेस्टोरेंट्स खोले या ऑर्गेनिक खेती की तरफ चले गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं और जिसमें हमारी सरकार ने बहुत उनको हेल्प भी करी, ऋण देकर ताकि उनको सब्सिडी भी मिलती रहे साथ के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं, अब चारधाम यात्रा देख लीजिए, कितने पहले कभी सपना हुआ करता था केदारनाथ जाना या बद्रीनाथ जाना, आज वेरी इजली आप कोई भी जा सकता उसको वहां पर, और दिल्ली से देहरादून से दिल्ली जाना हो, पंजाब जाना हो, सब कुछ इतना इजी हो गया। आप रोड्स को देखिए तो ऐसा नहीं, सीमा जी चारधाम यात्रा में भी पंडा पुरोहित हक हकूकदारी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये बात आप भूल गई हैं क्या? देखिए मैंने कहा ना कि कहीं संतुष्टि तो नहीं हो सकती और कहीं होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग संतुष्ट हो गए या विपक्ष संतुष्ट हो गया तो फिर तो प्रगति का मार्ग रुक जाएगा। सीमा जी फिलहाल आप जनता को संतुष्ट करिए, ये ज्यादा जरूरी है। खैर आपसे अभी और भी बात करेंगे, आम आदमी पार्टी से रुक जाइए, प्रेम जी रुक जाइए, संजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन 21 सालों में राज्य की दिशा दशा कितनी बदली है आपके हिसाब से, और चूंकि अब आप भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या लगता है कौन कौन से बदलाव देखते हैं आप? संजय जी आवाज आ रही है आपको? जी देखिए यशी जी, हेलो जी जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही? जी 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 यशी शुक्ला जी धन्यवाद आपका और सभी क्रांतिकारियों का धन्यवाद, क्योंकि पीसी थपलियाल जी, प्रदीप कुकरेती जी, प्रेम भगकुंडी जी सभी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं और मैं भी एक छोटा सा उत्तराखंड आंदोलनकारी ही हूँ, तो सभी को प्रणाम। देखिए उत्तराखंड की बात अभी क्योंकि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता प्रेम भगकुंडी जी कह रहे थे, उन्होंने काफी कुछ उस बारे में बताया लेकिन वो ये बात बताना भूल गए कि नरेंद्र तिवारी जी ने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा और कांग्रेस ने उन्हें ही सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड का, ये बात बताना प्रेम भगकुंडी जी भूल गए। चलिए उनकी मर्जी है, फिर जैसा मर्जी कह सकते हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पिछले 21 सालों से सरकार है जी, 21 सालों में 11 मुख्यमंत्री तो दिए उत्तराखंड को, लेकिन उत्तराखंड की जनता, मैं सीमा डोरा जी से भी पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति माताएं बहनें जिन्होंने लड़ा, जिन्होंने अपनी शहादत दी, न जाने क्या क्या सहा, जो नहीं सहना चाहिए वो भी सहा, उसके बाद जब हमारे को ये उत्तराखंड मिला, आज वो माताएं बहनें, हमारी बहनें प्रसव के दौरान, गर्भ गर्भावस्था के दौरान, या हमारे बुजुर्ग या हमारे बीमार,
डंडी कंडी पर गांव से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चल के डंडी कंडी पे कंधे पर उठाकर उन्हें लेके आते हैं। उसके बाद वो सड़क पर पहुंचते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो जिला अस्पताल तक पहुंच पाने की स्थिति में होते हैं या फिर वहां से रेफर कर दिए जाते हैं, और कई बार तो अधिकतर बार ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा विकास 21 सालों में जो उत्तराखंड को मिला है, यूपी में भी ऐसा ही विकास था, उत्तराखंड बनने के बाद भी ऐसा ही विकास मिला है, ये सत्यता है, कोई झूठ नहीं है इसमें, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद 5000 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, ये उत्तराखंड बनने के बाद होता है। तो ये विकास हुआ या विनाश, ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 11 के 11 मुख्यमंत्रियों को जवाब देना चाहिए जो आज जीवित हैं उनको, और इनके प्रवक्ताओं को भी। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य की बात अभी सीमा डोरा जी कह रही थी कि हम हर जिले में मैक्स हॉस्पिटल खोलेंगे, मैक्स हॉस्पिटल की अभी की घटना बताऊं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे जीवन सिंह जी सरदार जी, उनको कोरोना हो गया, मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया, उनकी डेथ हो गई, 12 लाख रुपए उनसे मांगे गए। वह मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ डबल इंजन, लड़ झगड़ कर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं नेताओं ने वो बिल 4 लाख रुपए करवाया, तब जाके उनकी डेड बॉडी दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद की बात कर रहा हूँ, जिनकी वाइफ आज भी पार्षद हैं। ये हाल मैक्स हॉस्पिटल ने देहरादून में किया, तो पहाड़ में क्या क्या हाल करेगा वो मैक्स हॉस्पिटल, वो आप समझ सकते हैं। तो उत्तराखंड की जो सरकारें हैं, असल में इनकी नीति और नियत सही नहीं है। नीति और नियत अगर इनकी सही होती तो ये प्राइवेट चीजें ना लाते कि मैक्स हॉस्पिटल खोलेंगे। अरे भैया आप सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल सकते, मैक्स हॉस्पिटल क्यों खोलेंगे? सरकारी भी खोलेंगे सर, पूरे 13 जिलों में प्लानिंग है हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स खोलने की। आपकी प्लानिंग तो देख रहा है 21 साल से उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी की सारी प्लानिंग देख रहा है। 8 दिल्ली में ठीक है सीमा जी और संजय जी, आपको पूरा मौका देंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रदीप जी का भी रुख कर लेते हैं, राज्य आंदोलनकारी है प्रदीप जी। रुक जाइए संजय जी, आते हैं आपके पास। प्रदीप जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, उसका निर्माण हुआ, उसके बाद आपकी बहुत सारी उम्मीदें थी, तो क्या उन उम्मीदों पर ये सरकारें खरी उतरी हैं या कुछ काम जो है वो नहीं हुए? देखिए निश्चित रूप में मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शहीदों को नमन करते हुए सभी राज्यवासियों को मैं बधाई देता हूं जी। और आज उत्साह का दिन है, निश्चित रूप में उन 42 से ऊपर जो शहादतें इस राज्य के लिए दी गई उनको याद करने का दिन भी है। और रही बात 21 सालों की, हम 21 पायदान जो चल के हम आगे आए हैं जी, तो उम्मीदें स्वाभाविक हैं, उम्मीदें हमारी हैं, लेकिन जो सपने इस राज्य को लेके देखे गए थे, लड़े गए थे, वो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, जिसके ऊपर आप अगर कोई भी सरकार समीक्षा करने बैठेगी तो निश्चित रूप में उसकी भर्सना भी होगी। 21 साल के बाद हम अपने छात्र को ये नहीं बता सकते कि हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, स्थायी राजधानी। 21 साल के बाद हमारे अपने जो हमारे यहाँ के बासिंदे हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मेरा प्रदेश के अंदर भू कानून कब बना, कैसे बनेगा या बनेगा या कब बनेगा, ये नहीं पता है। और पूरे हिमालयी तर्ज पे जो राज्य हैं, जो 7 बहनें जो हिमालय की हैं, उसकी दायरे में उत्तराखंड को क्यों नहीं लिया जाता? केवल हमारा काम पेड़ लगाना है, पर्यावरण को बैलेंस करना है, या हम लोग खाली जो है स्पेसिफिक जोन में ही आएंगे कि हम लोग जो है मसूरी में आप कंस्ट्रक्शन ना करें, गंगोत्री पे कंस्ट्रक्शन ना करें? मैं उसका शहर से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर सारी बाउंड्रीज़ एनजीटी की अगर उत्तराखंड के ऊपर लगेंगी, तो मुझे आज भी याद है कि अगर हम लोग छात्र जीवन में थे तो पेड़ पौधे लगाया करते थे, तो उतने ही अधिकार के साथ हम लोग जो है अपने जंगलों से जाके पेड़ों को लॉपिंग करके अपने भवनों के लिए लेके आते थे, छानी के लिए लेके आते थे, जानवरों के लिए लेके आते थे, और पूरा हम लोग उसकी रक्षा भी करते थे, क्योंकि समय समय पर हमारे शिक्षकों द्वारा तमाम ग्राम प्रधान से लेके तमाम उसमें सहभागिता होती थी। लेकिन राज्य बनने से पहले ही और राज्य बनने के बाद 21 ये पूछ ले 27 सालों से, और उसके जो बीच का जो दौर निकला है आगे का पीछे का, उसमें अब हम जंगल में अगर हमारी कोई मातृशक्ति घुसती है तो हमारा फॉरेस्ट का एक छोटा सा कर्मचारी उसमें कानूनी कार्रवाई की बात करने लगेगा और वो जो है बैकफुट पे आ जाते हैं। उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता में उस जंगल के प्रति जो मर्म या जो प्रेम होना चाहिए था वो नहीं होता है। जो आदमी अपनी चीज को, वस्तुस्थिति को अपना एकाधिकार समझता है, अधिकार समझता है, उसमें उसकी रक्षा भी करता है। तो निश्चित रूप में अगर जहां आप लॉ एंड ऑर्डर की धमकी दिखा रहे हैं, पेड़ में आप घुस नहीं सकते, वन विभाग चाहे DFO चाहे वो कई DFO या जो कंजर्वेटर है वो जाके अपने भवन बना ले जंगल में, लेकिन अगर हमारा व्यक्ति, हमारे जो 9 जिले का व्यक्ति, हमारे जो 13 जिलों का व्यक्ति, इसमें से अगर कोई चीज अगर चुरा एक वो अपना वो लेके आ जाएगा,
टूटी हुई डाल लेके आ जाएगा, पत्ते लेके आ जाएगा, तो उसमें तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आपने रोजगार की नीति 21 साल के अंदर किसी राज्य ने तैयार नहीं करी। लोग कहते हैं कि आपने क्या खोया क्या पाया, तो मैंने उसको तंज कसते हुए या हंसी में ये कहा कि हमने मुख्यमंत्री पाए और जो कई मुख्यमंत्री खोए, तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें खोया पाया मैं तो जी। आज जो घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की जो घोषणा है, जिसमें 3100 रुपए पेंशन जिन्हें मिलती थी उसे बढ़ाकर 4500 कर दिया गया और जिन्हें 5000 मिलती थी उन्हें 6000 किया गया। देखिए निश्चित रूप में अगर कोई भी, मैं सकारात्मक दृष्टि सोच का व्यक्ति हूँ और अगर हम सकारात्मक दृष्टि से नहीं चलते तो हम इस राज्य की परिकल्पना, मुझे फक्र है कि मैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी के नेतृत्व में हमें चलने का मौका मिला और पूरे बीबीसी से लेके तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हुआ कि अगर कहीं गांधी को देखना है तो उत्तराखंड में देखे, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चलते रहे और हमारी लगातार उसमें मांग रही। इसमें दुर्भाग्य यह रहा कि जो पिछले 4 साल माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने हमारे ही आंदोलनकारियों को खराब नहीं किया, इस प्रदेश के भी खराब करे, उसमें उन्होंने रात ही रात घर में बैठ के अध्यादेश लाए, भू कानून ला के प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने जो है न्यायालय के किसी की अपील पर जाके हमारे जो है रोजगार पे डाका डालने का काम करे कि आओ पूरे भारत के वासी और हमारे समूह ग की नौकरी भी आप ले लीजिए। तो ये चीजें हमारे जो दुखदाई रही 4 साल, लेकिन निश्चित रूप में उस लैंडस्लाइड को रोकने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को, अगर मैं कहूंगा तो पुष्कर सिंह धामी ने रोका है, लैंडस्लाइड को रोका है और उन्होंने राज्य आंदोलनकारी के परिपेक्ष में जो जितने भी कम समय में उन्होंने जो शासनादेश निकाले और जो ये पेंशन की जो बढ़ोतरी हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ पूरे राज्य आंदोलनकारियों की ओर से, प्रदेशवासियों की तरफ से। लेकिन जो हमारा जो 10% क्षैतिज आरक्षण का जो अध्यादेश और एक्ट है जो है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप में मैं इसके लिए पहले सकारात्मक दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, अन्यथा मुझे अगर नंगे पांव चल के पैदल चल के भी राजभवन से लेके मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ेगा मैं उसके लिए जाऊंगा, और मुझे मेरा भू कानून चाहिए, मुझे मेरी स्थायी राजधानी चाहिए, मुझे मेरे बेरोजगार के लिए रोजगार चाहिए, मुझे मेरे जो है परिसीमन के लिए आगे क्या नीति बन रही है वो चाहिए और पलायन को रोकने के लिए मेरी क्या योजना सरकार वहां बना रही है उस पर रोकने के लिए, उस आबादी को वहां रोकने के लिए या यहां से वहां जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं करने जा रही है। ठीक है, प्रदीप जी, आपने ये मेडिकल कॉलेज स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो राज्य आंदोलनकारियों की जो मतलब उम्मीदें हैं जो वो चाहते हैं और क्या क्या सरकारों को करना है। शुरुआत हम प्रेम जी से कर लेते हैं। प्रेम जी, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं 2-3 चीज कह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो सीमा जी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महोत्सव मना रही है और पलायन पे बहुत काम कर रही है, पलायन आयोग की रिपोर्ट 2018 कहती है कि 734 गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं और 565 गांव आधे खाली हो चुके हैं। अगर हम 2012 के बाद जो सीटों की संख्या देखें तो चमोली में एक विधायक की सीट कम हुई है, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 1, बागेश्वर में 1 और अल्मोड़ा में 1 सीटें कम हुई है, जबकि हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में 2-2 सीटें बढ़ी और देहरादून में 1 बढ़ी है। हमने जो उत्तराखंड की डिमांड करी थी वो पर्वतीय राज्य के लिए एक अलग विकास के मॉडल की बात करी थी। हमने कहा था कि हम एक अलग तरह की नीति वहां पे बनाएंगे। प्रेम जी, फिलहाल आप ये बात करिए कि आपकी जब सरकारें आई तो आपने क्या किया। मैं इस पर बात करना चाहती हूँ कि आपकी सरकार आई तो आपने क्या किया, और ये भाजपा प्रवक्ता जो बैठी है ये बताएंगे कि इनकी सरकार है तो ये क्या कर रही है। मुझे ये बिल्कुल नहीं जानना है कि इससे पहले क्या होना चाहिए था या आपने क्या उम्मीदें करी थी। राज्य आंदोलनकारी बता चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए था इस प्रदेश से, उनकी सरकारों से क्या उम्मीदें थी। अब आप पूरी करिए अपनी बात को। आंदोलनकारी के तौर पर दलितों की बात कर रहा हूँ जिसकी प्रदीप भाई बात कर रहे हैं। हमारी डिमांड में पेंशन और नौकरियां नहीं थी। मैं को जब नौकरी ऑफर की तो मैंने मना कर दिया और ये कहा कि मेरी लड़ाई मैंने उत्तराखंड के लिए नौकरी के लिए लड़ाई नहीं करनी थी। 20-22 साल में मैं चाहता सिविल सर्विस की तैयारी करता, मुझे लाठी डंडे खाने की जरूरत नहीं थी, मुझे जेलों में रहने की जरूरत नहीं थी। हमारी लड़ाई अलग विकास मॉडल की थी। हमारी लड़ाई आज भी है, चुनचुना है कि आपने पेंशन बढ़ा दी है, ये भी मेरी नजर में चुनचुना है। पार्टी स्टैंड में कल 2 दिन पहले एक औरत ने खेत में बच्चा जना है, हमारी लड़ाई उसके लिए है कि उस औरत को बच्चा जनने की जरूरत ना पड़े। हमारी लड़ाई इस बात को ले कि जो प्रदीप भाई ने भी कहा कि जो वन है, वनों पे हमारे अधिकार की लड़ाई की बात है, हमारे पानी पे हमारे अधिकार की लड़ाई की बात है। हमारी लड़ाई तो तिवारी जी के केस में मैंने आपको बताया, मैंने एक्सेप्ट किया इस बात को क्योंकि वो नेहरूवादी एक बड़े सोशलिस्ट मॉडल की बात करते थे। वो उन्होंने जो तराई क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाई वो इंडस्ट्रीज शायद, चूंकि हम मॉडल में गड़बड़ी हो रही है, मैंने मॉडल की बात कर रहा हूँ, उनका मॉडल ये वाला था कि हम तराई क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में उसका विकास का फायदा पहुंचेगा। वो नहीं पहुंच पाया, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कांग्रेस को ऑफिशियली एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए थ्योरेटिशियन, एक एकेडमिशियन, मुझे लगता है कि ये गलती थी। उसके बाद अगर हम एक बात कर दें कि नरेंद्र तिवारी के बाद हमारे विजय बहुड़ा जी बने, विजय बहुड़ा जी के पास आइडियोलॉजिकली कोई खास स्टैंडिंग थी नहीं, वो बन गए।
हरीश रावत जी ने कोशिश करी कि मैं उस उत्तराखंडियत को वापस लाने के प्रयास करूं। डेढ़ दो साल के अंदर जब उन्होंने प्रयास करा तो जो जिस लॉबी ने आज ये सीएम बदले हैं तीन पिछले दिनों में, खनन लॉबी, जिस लॉबी की वजह से आज यहाँ बात हो रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो लॉबी है, खनन लॉबी है, शराब लॉबी है, उसने इमीडिएटली जो है हमारी सरकार कर दिया भ्रष्टाचार दिखाया आपने इतना ज्यादा कि दुनिया त्रस्त हो गई थी। सीमा जी इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हुए तो आपने उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? आपकी सरकार है पांच साल से, कांग्रेस इतने भ्रष्टाचार कर रही थी, सीमा जी आप जेल क्यों नहीं भेजते उन्हें? आपका क्या मिली भगत है? अब सच्चाई इनको दिखाई तो थी, सच्चाई दिखाने क्या जेल भेजिए ना? पांच साल आपके भ्रष्टाचार हुए थे, भ्रष्टाचार के बाद आपने कांग्रेसियों को जेल क्यों नहीं भेजा? क्या मिली भगत है? क्या मिली भगत है बीजेपी की कांग्रेस से जो भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेज रहे? हमारे मिली भगत जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? बोलते हमारे फेवर में बोलते हैं, सेवेंटी फोर घोटाला, सेवेंटी फोर घोटाला, यशपाल आर्य उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? आपदा घोटाला, विजय भगुना जी उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा बीजेपी ने? मैं बात उनकी कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री की बात करूँ, मुख्यमंत्री घोटालों की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की मैं कांग्रेस के घोटाले ही बोल रहा हूँ। आपदा घोटाला कांग्रेस के विजय भगोड़ा जी ने किया, उन्हें आपने बीजेपी में ले लिया। यशपाल आर्य जी ने 74 घोटाला किया, उन्हें आपने बीजेपी में ले लिया। हरक सिंह रावत जी के ऊपर अन्य जमीन घोटाला और न जाने क्या क्या घोटाले लगे, उन्हें आपने बीजेपी में ले लिया। सतपाल महाराज जी के ऊपर पोली हाउस घोटाले का आरोप लगा, उन्हें आपने बीजेपी में ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो चीज सिद्ध नहीं हुई इसको क्या करे, आरोपों की बातें क्या करे? आरोप आपने लगाया अभी अभी, बीजेपी ने पांच साल आरोप लगाया और अभी आपने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए, तो आप उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचार करे इन्होंने, वो तो आपने जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपकी क्या मिली भगत है? जब सिंह हो चुका था इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? इनके पास चेहरा है, इनके पास आज भी कोई चेहरा नहीं है। जेल क्यों नहीं भेजा? उन्होंने इतने अपराध किए थे, भ्रष्टाचार किए थे, आपने जेल क्यों नहीं भेजा? क्या हरक सिंह रावत जी सही कह रहे थे कि त्रिवेंद्र रावत जी को ढेचा बीच घोटाले से हरीश रावत जी ने बचाया? ये आपके मंत्री ने कहा है, इसका मतलब आपकी मिली भगत है। आप दोनों भ्रष्टाचार करो, लूटो जनता को, उत्तराखंड को लूटो, फिर एक दूसरे को कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी ये तो आपकी मंत्री ने कहा, जनता को लूटो, आपके मंत्री हरक सिंह रावत जी के बयान है, सबने वीडियो देखा है, उनका बयान देखा है। कांग्रेस सरकार के पास मुख्यमंत्री का है चेहरा ये, और आपके पास क्या चेहरा? आप क्यों इतना इतरा रहे हो? आप दिल्ली में ऐसा क्या कर दिए जो आप दुनिया को बताओगे कि हम आप हैं और हम उत्तराखंड में आके कुछ कर लेंगे? आप भी कुछ नहीं कर सकते उत्तराखंड में, मत बताइए ये बस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप भी कुछ नहीं कर पाए। चलिए ठीक है सिल्वा जी, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आज जो घोषणाएं हुई हैं वो कैसे आप पूरी करेंगी? भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं हमने दे दी और इतनी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि आप भी कुछ नहीं कर सकते, यानी ये कुछ नहीं कर पाए, ये स्वीकार किया अभी पर अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है 21 सालों में, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का बेड़ा गर्क किया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 21 साल में, और आपने सिर्फ झाड़ू लगाया आज तक देश को और कुछ नहीं करा, और कुछ कर भी नहीं सकते आप लोग। वो दिल्ली के स्कूल देखने पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, दिल्ली के स्कूल देखने पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, ऐसे देशों के 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली में। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना।
अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं शहादत पूरी आशाएं अधूरी। 21 साल का हो चुका है उत्तराखंड राज्य। 2000 में उसका निर्माण हुआ था, 22 में प्रवेश कर लिया उत्तराखंड राज्य ने। काम हुआ है लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। पलायन को रोकने का काम अभी तक पलायन नहीं रुक रहा है उत्तराखंड में। लोग अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं और आज तमाम वादे भी किए हैं, तमाम घोषणाएं भी की हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या कुछ वो घोषणाएं हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने की घोषणा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। राज्य में खेल नीति 2021 जल्द लागू होगी। जनपद स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी।
देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। अड़तालीस घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपए उपहार राशि दी जाएगी। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगेगी। सेवा का अधिकार अधिनियम में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। राज्य को आयुष वेलनेस का हब बनाया जाएगा। पर्यटक गृहों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ये वो घोषणाएं हैं जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हैं और चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। 21 साल बीत चुके हैं उत्तराखंड को राज्य बने हुए, 22वें साल में प्रवेश कर लिया है। क्या मिला है 11 मुख्यमंत्रियों के अलावा? और सीधे सीमा जी का हम रुख करते हैं। सीमा जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी घोषणाएं की हैं और आप बहुत कम वक्त रह गया है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो सबसे पहले ये घोषणाएं इतनी जल्दी पूरी कैसे होंगी? और दूसरी बात ये कि अभी जिस तरीके से प्रदीप कुकरेती जिस बात को कह रहे थे कि पलायन आयोग का गठन तो कर दिया गया, लेकिन वो पलायन आयोग कहाँ है आजकल? पलायन तो अभी भी लगातार हो रहा है। मैंने उस टाइम आपको टोका नहीं था क्योंकि हमें चर्चा को आगे बढ़ाना था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो आंकड़े हैं या जो गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं या पता भी करते हैं तो ये पता चलता है कि पलायन बहुत तेजी से हो रहा है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वहां पर पलायन नहीं हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह रहे थे कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है वो पहाड़ के काम आएगी। कैसे काम आएगी जब लोग यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, पलायन करेंगे? तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन पिछले कोरोना के बाद बच्चे वापस आ रहे हैं और सरकार निरंतर लोगों से कह रही है कि आप अपने यहाँ, यानी कि बच्चों को कह रही है कि जवानी, यस, यानी कि यंगस्टर्स हैं, वो वापस आइए, यहाँ पर आके काम करिए, रोजगार करिए और उसके लिए ऋण हम देंगे और उसके साथ सब्सिडी भी है। ये बराबर सरकार उनसे अनुरोध कर रही है, तो धीरे धीरे ही हर काम होता है ना मैडम। जब इतने बुरे स्तर तक सब कुछ खत्म हो गया तो उसको वापस लाने में समय तो लगेगा। भू कानून किया, 23% बेरोजगारी, 23% बेरोजगारी आपके दौर में ही तो 23% बेरोजगारी हुई उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में। अभी क्या बात मत करिए, लेकिन कांग्रेस का भी टाइम चाहिए, मत करिए। और पहाड़ों में जितना जीवन आपके समय में 23% बेरोजगारी हो गई। लेट मी टॉक फर्स्ट, जब पहाड़ों का जीवन इतना कठिन था, उस कठिन जीवन को सरल बनाने का पहले प्रयत्न किया गया, वहां पर लाइट बंदोबस्त करा गया। 21 साल में आप आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण तो कर नहीं पाए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को। आज तक 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, इक्कीस साल से चिन्हीकरण क्यों नहीं हुआ आंदोलनकारियों को? वहाँ पे आपने देखा कि उत्तराखंड का क्या हाल था? पहाड़ में जाना असंभव था, आज आप किसी भी जिले को कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी जिले में जा सकते हैं। इसलिए किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? एक पर्चा बनाइए, पूरी की पूरी जच्चा बच्चे की जिम्मेदारी सरकार की आयुष्मान के तहत। आपने आयुष्मान कार्ड करवाया था, गोल्डन कार्ड आपने बनवाया था, बीजेपी ने बनवाया था। आयुष्मान कार्ड से क्या हुआ? आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं होता। राशन में दाल चावल बता दीजिए, कोरोना के दौरान जिसको आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला हो, एक व्यक्ति बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए। आपके पार्षद का मैंने अभी उदाहरण दिया, आपके पार्षद का मैंने अभी उदाहरण दिया, चलिए ठीक है, वक्त की बहुत कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं कि शहादत पूरी और आशाएं अधूरी, देवभूमि के दंगल में हम आज बात कर रहे थे कि 21 साल का हो गया उत्तराखंड राज्य और 22वें में प्रवेश कर लिया, लेकिन क्या कुछ मिला है उत्तराखंड को? और अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां पर मौजूद हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी के साथ। तिना साल 2500 करोड़ रुपए कमाए गए, 300 किलोमीटर दरिया चो स्टेट ओन्ड सी, कॉरपोरेशन सी। मैं थोड़ी गल का जवाब दे रहा, सवाल यह है कि महाराज पापी नहीं मारने, पाप मारना। एक सिस्टम ऐसा है जरा आ कहना आ आ आ हम मेरे नाल रल, जो तू चोर हो गया ते तेनू नाल रलावां। सुनो सुनो सुनो, मैं मेरी गल पूरी कर दे, पूरी कर दे।
सिस्टम जो होया स्टेट ओन चाहे शराब होवे ते चाहे रेता होवे किसी का बस ही नहीं चलना क्योंकि वह सूबे का फिर शराब की बोतल भी जे अद्धा किलोमीटर तुरी तो पता लगू उत्ते चिप लगी हो ये नहीं है भी रात को कदे किधर चली गई कदे किधर चली गई कदे कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चन्नी ने कहा पंजाब के डीजीपी को हटाने का फैसला लिया गया है। पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां पर मौजूद। पंजाब के एजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं।